बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई आज एक खबर से अपडेट कर देता हूँ। मैं अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर खुद से देख रहा था और मेरे साथ एक रूम में दोस्त मेरा बैठा हुआ था, तो मुझे बोल रहा था कि भाई ओह ये क्या हो गया। मैंने उसको बोला क्या हो गया, बोलता ये देखो न्यूज़ देखो ये कैसा हो गया। मैंने उसको बोला ये ऐसी खबरों के मतलब जो भी है। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर वो खबर भी अभी दिखा देता हूँ और इसके डिटेल यानी इसकी डिटेल के मतलब भी आपको बता देता हूँ। मैं आप भाई अक्सर भी कोई भी किसी किस्म की फ्लैट्स के मतलब खबर या वीडियो देखते हैं तो फौरन भाई उसे ओपन करके बंदे देखते हैं, क्यों भाई शायद ओपन हो चुकी हैं, शायद कोई डेट वगैरह दे दी गई हो, क्योंकि बंदे भाई 8-9 माह से परेशान हैं इस फ्लैट्स को लेकर जो सऊदी अरब ने बंद की हुई है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। तो अभी टिकटॉक के ऊपर गालबन एयरवाइ न्यूज़ के नाम से गालबन ये उस बंदे ने ऐसे कोई उसकी वो सुर्खी वगैरह लगाकर और साथ में यहां पर मैं अभी आपको वो एक खबर वो वीडियो दिखा भी रखा हूं, आपको मैं खुद से बता देता हूं ये इसमें कहा क्या जा रखा है, बाकी आप यहां पर जो लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं कि सऊदी अरब का गैर मुइना मुद्दत के लिए वीजा बंद करने का फैसला। ठीक है, 72 घंटों के अंदर तमाम तर गैर मुल्की और सऊदी शहरी सऊदी अरब पहुंचे 72 घंटों के बाद तमाम तर फ्लैट्स वीजा बंद कर दिए जाएंगे सऊदी अरेबिया के गैर मुइना मुद्दत के लिए, जैसा कि अभी बंद जा रही है गैर मुइना मुद्दत है ये भी। तो भाई ऐसी न्यूज टिकटॉक के ऊपर खासकर या यूट्यूब के ऊपर कोई भी बंदा अगर आपके साथ शेयर कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है जी, मैं आपको सीधी साफ सिंपल बात कर रहा हूं, कोई बंदा अगर आपको फ्लैट्स के मतलब कोई अपडेट दे रहा है या 72 घंटों का 8 घंटों का टाइम दे रहा है तो ये है वो है, वो आपके साथ सरासर झूठ बोल रहा है। इसके मतलब कोई भी किसी किस्म की जब भी कोई न्यूज आएगी यानी कि फ्लैट्स के मतलब कैसे ओपन होनी है, कौन से बंदों के लिए ओपन होनी है, सबसे पहले वजारत दाखिले की तरफ से नशर की जाएगी, उसके बाद आपका भाई भी आपके साथ शेयर कर देगा।